आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर क्लासिक की, जो 110 cc इसका इंजन है। आज हम आपको इसकी सारी डिटेल्स देंगे, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं ब्रेक्स की। तो आपको इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है और आपको इसमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और साथ में आपको जो इसका अलॉय दिया गया है, इससे इसकी ज़्यादा अच्छी लुक लगती है। अब हम पीछे के टायर की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको वही सेम टू सेम ट्यूबलेस टायर दिया गया है, अलॉय दिए गए हैं और इससे इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी है और साथ में आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक मिलेगी। अब हम बात करते हैं ज़रा आगे की। तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो आप इन्होंने दिया गया है जुपिटर क्लासिक, और इसके कलर की बात करें तो बहुत अच्छा इसका कलर है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब हम बात करते हैं जो एक फीचर की। तो ये हमें वैसे मैक्सिमम स्कूटीज में आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा इस साइड। तो हम बात करेंगे फ्यूल टैंक और डिक्की को ओपन करने के। तो ये देख सकते हैं आप, इस साइड करेंगे तो इसका ये फ्यूल टैंक ओपन हो गया और बंद कर देते हैं इसको हम। और इस साइड आप देख सकते हैं यार, फिर से फ्यूल टैंक ही ओपन कर दिया मैंने, इसको बंद कर लेता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिक्की की। तो आप ये देख सकते हैं डिक्की, तो उसमें आपको एक USB कनेक्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मीटर की। तो आप ये देख सकते हैं इसका मीटर को, आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपको एक्को पावर और इसकी स्पीड, फ्यूल कितना है, और यहाँ पे आपको इस साइड में आपको मिलेगा इस साइड वाला इंडिकेटर का ब्लिंक और इस साइड में आपको दूसरी साइड का मिलेगा, और साथ में बीच में आपको मिलता है कि आपका अगर पेट्रोल कम हुआ तो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा, और साइड में तो आपको आगे हेडलाइट वाला ब्लिंक का ऑप्शन। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड 40 या 45 के आसपास हुई तो ये एक्को का ऑप्शन ब्लिंक करेगा, अगर आपकी 40 या 45 से ज़्यादा स्पीड होती है तो ये पावर में ब्लिंक करेगा। और अब हम इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी ये बात है जो इसका ये पास के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है, ये कम दिया जाता है बट इसमें दिया गया हमें, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो आपके लिए पास में दिया गया है सबसे अच्छी बात है। आप ये आगे देख सकते हैं लाइट बढ़ रही है इसकी, ये देखिए पास के लिए सबसे अच्छा ये। और इसकी हम बात करते हैं आगे, बात करें इसके एक्सोस्ट की। तो इसमें आपको CVTi का एक्सोस्ट दिया गया है, इसके हम आपको साउंड सुनाते हैं। आपने इसकी साउंड भी सुन ली। अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो हिमाचल में इसका प्राइस 85,000 के आसपास में है, और दिल्ली पंजाब में इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा कम हो। तो आपको ये साइड में पायलट प्ले मिलते हैं दो, और ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको यू आर एल की हेडलाइट मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी किसकी बात करें, अब हम इसकी बात करेंगे। आप ब्रेक तो आप ये देख सकते हैं, ये पीछे की ब्रेक है, ये आगे की ब्रेक है, ये ब्रेक आगे की आपको डिस्क में मिलती है और पीछे की तो आपको मैंने बता दिया कि ये ड्रम ब्रेक होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लुक वाइज, तो लुक वाइज भी अच्छी है देखने में। और सबसे एक बात और ये देखते हैं आप इसका, ये जो आपको इसके साथ ये मिलता है, ये यहाँ पे आपको मिलता लगता है यार, एक रुक जाओ, एक मैं आपको यहाँ पे अटका के दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं ऐसे में आपको, जब भी आप नहीं ये स्कूटी लेंगे तो आपको ऐसे ऐसे मिलेगी ये स्कूटी, बट यार ये मेरे को इसमें अच्छा लगता है तो इसको मैंने खोल के साइड में रख दिया है। बट ऐसे कईयों की अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे आपको ये इसमें अच्छी
यार ये गाड़ी ट्यू ट्यू कर रही है, इसको साइड में रख देते हैं हम। तो मुझे तो भाई ये बिना इसके अच्छी लगती है ऐसे। तो अब उसकी बात करें नंबर प्लेट की, तो जो दूसरी इस कंपनी की स्कूटीज़ हैं उनमें आपको यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए अपने आप ही होल करवाने पड़ते हैं, जिससे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। बट यहाँ पे जुपिटर की TVS स्कूटी में आपको पहले से ही कंपनी की तरफ से ही ये यहाँ पे ये नंबर प्लेट लगा दी है। बट इसके जो आपको ये देख सकते हैं साइड से ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।